लोग कहते हैं कि भाई जींद में कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस कमजोर नहीं है। जब व्यापारियों का साथ, आज हमारे व्यापारी नेता सारे स्टेज पर हैं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जींद रिकॉर्ड बना दे तो मैं भी चौड़ी छाती करके चौधरी साहब को कह सकता हूं कि जींद ने मुझे जिताया है। और आपने जो टिकट दिया है, आपने जो मुझे विश्वास जताया है, और विश्वास पर जींदवासी मेरी मदद करेंगे, ये मैं आपसे कहने आया हूं। 25 तारीख का दिन है, जींद को और सफेदों को जुलाना तीन हिलकों के कारण टिकट मिला। तीन हलके हैं जींद में, बैकवर्ड लोग कहते हैं कि जींद का एरिया बैकवर्ड है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप मुझे संसद भवन भेजेंगे, तो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करके जींद जो है औद्योगिक नगर होगा, औद्योगिक नगर के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर। जींद में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, जगह है यहाँ पर, जगह सब जानते हैं, 1000-2000 बीघे जमीन आज भी सरकार की है, उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाए, हमारे छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी जिसमें इंडस्ट्री एरिया हो, अच्छा एरिया हो, मैं आपसे सर प्रार्थना करता हूँ। जब भी हरियाणा में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये सरकार हट चुकी है, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत हो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए था, अल्पमत में सरकार है, कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी बनेगी और औद्योगिक क्षेत्र आपके जींद में बनेगा। मैं फूली करके हुड्डा साहब से, आज तक हुड्डा साहब ने जो हमने कहा सब माना है, एक प्रार्थना में जींद के व्यापारियों की तरफ से भी, जींद ऐसा क्षेत्र हो जो हमारे यहाँ नोएडा गुड़गावा है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, उस श्रेणी में हुड्डा साहब इसको लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जींद वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत दे दो, आगे की का सारी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, चिट्ठियां आती हैं, टेलीफोन आते हैं, जिस दिन हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी उस दिन सारी चिट्ठियां एक महीने के अंदर कोई दिखाई नहीं देगा। हुड्डा साहब की गारंटी पक्की है, मोदी की गारंटी झूठी है, कहाँ खट्टर और कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब। आप जानते हैं हरियाणा में क्या, पूरे देश में आपसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। मैं पुनः कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमान हुड्डा साहब का, हमारे भाई दीपेंद्र जी का, चौधरी उदयभान जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ।